हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों, सुपर ट्रेंड एक बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर है जिसमें दो लाइंस होती हैं। एक रेड कलर की अपर लाइन होती है और एक ग्रीन कलर की लोअर लाइन होती है। लाइन एक ही है, बस उसका कलर चेंज हो रहा है। दोस्तों, जब हमारी ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो रही है तो वहां पर हमें रेड कलर के एरोस देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हमारी रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो रही है तो वहां पर हमें ग्रीन कलर के एरोस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सुपर ट्रेंड में ग्रीन लाइन का मतलब होता है कि मार्केट बुलिश है और रेड लाइन का मतलब होता है कि मार्केट बेरिश है। अब हम इस इंडिकेटर का यूज करके ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो हमने यहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है। आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर चार्ट पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। स्टार्टिंग में इसकी लेंथ 10 की होगी और फैक्टर 3 का होगा। आपको इसे चेंज कर 20 और 2 पर सिलेक्ट कर लेना है। अब सबसे पहले हमें चार्ट पर अप ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो रही है। इस कैंडल के ऊपर हमें एरोस देखने को मिल रहे हैं। तो अब जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम ट्रेड लेंगे। इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो रही है। इस कैंडल के नीचे हमें एरोस देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम ट्रेड लेंगे। इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बाद फिर से ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो रही है, जिसके बाद मार्केट तेजी से नीचे गिरती है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। यहाँ पर रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो रही है, जिसके बाद प्राइस हल्का सा नीचे गिरता है और फिर वापिस से तेजी से ऊपर चला जाता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज आप स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ग्रीन कलर के एरोस देखने को मिलते हैं, जिस कैंडल के नीचे हमें एरोस देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम ट्रेड लेंगे, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो रही है, जिस कैंडल के ऊपर हमें एरोस देखने को मिल रहे हैं। इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा हम ट्रेड लेंगे, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर भी ये इंडिकेटर अच्छे से वर्क करता है। हमें यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल मिलता है, जिसके बाद प्राइस तेजी से मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है। तो आई होप आपको इस सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नंबर 4 में।